सात राज्यों की 13 विधानसभाओं में उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब अन्य राज्यों में रिक्त हुई सीटों पर भी चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान के रिक्त सभी 5 सीटों पर भी चुनाव होने की संभावना है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायक चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 5 विधायक ऐसे रहे जो लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। इन 5 में खिवसर से विधायक रहे हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा क्षेत्र से, झुंझुनू से विधायक रहे ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू लोकसभा सीट से, 84 से विधायक रहे राजकुमार रोत बांसवाड़ा लोकसभा सीट से, देवली उनियारा से विधायक रहे हरीश मीणा टोंक लोकसभा क्षेत्र से और दौसा से विधायक रहे मुरारी लाल मीणा दौसा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। सांसद निर्वाचित होने के बाद ये 5 नेता विधायक पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब इन 5 विधानसभा सीटों खिवसर झुंझुनू 84 देवली उनियारा और दौसा पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पिछले दिनों अहम बैठकें हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जयपुर प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हो चुकी है। इन 2 बड़ी बैठकों में आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को चुनाव की तैयारी में जुटने का टास्क दिया है। प्रदेश नेतृत्व अब सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी पढ़ा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उपचुनाव वाले क्षेत्रों के दौरे पर निकले हुए हैं। 2 दिन पहले वे नागौर जिले के खिवसर पहुंचे थे। 1 दिन पहले उन्होंने झुंझुनू जाकर बैठक ली और 27 जुलाई को वे दौरे पर रहे। जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं इनमें से 1 भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे जबकि शेष 2 सीटों में से 1-1 पर राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी और दूसरी सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थे। इन 5 सीटों में से 1 भी सीट पर बीजेपी का विधायक नहीं था। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पास होने को कुछ नहीं है। अगर किसी सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब होती है तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होगा। वर्तमान बीजेपी के पास 115 सीटें हैं। नवंबर 2023 में 199 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते 1 सीट पर चुनाव टल गए थे। बाद में चुनाव हुआ जिसमें दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे की कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। हालांकि उपचुनाव की सभी 5 सीट चुनाव जीतने के लिए पार्टी विशेष रणनीति बना रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर से मंडल स्तर और बूथ स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को टटोलना शुरू कर दिया है। स्थानीय लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। उपचुनाव की तारीख नज़दीक आने तक हर क्षेत्र में पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां भी होंगी। खिवसर में बीजेपी को जीत की काफ़ी उम्मीद है क्योंकि पिछले दिनों हुए चुनाव में हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर काफ़ी कम था। पार्टी झुंझुनू विधानसभा सीट को भी कांग्रेस से छीनने की कोशिश में है। दौसा और टोंक 84 में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का बोलबाला ज़्यादा है। ऐसे में इन 3 सीटों पर बीजेपी को काफ़ी जोर आने वाला है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने दौरे करने शुरू कर दिए हैं और लोगों की भावनाओं को टटोलना भी शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति काम आती है या नहीं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।